येलो आर्मी यानी चेन्नई सुपर किंग के फैन हैं और इस बार आईपीएल में धोनी और बेन स्टोक्स को एक साथ खेलते हुए देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कुछ दिनों में आईपीएल का पहला मुकाबला चेन्नई बनाम गुजरात टाइटंस के बीच होने वाला है, लेकिन इसी बीच चेन्नई सुपर किंग को उनके दिग्गज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि 16 करोड़ 25 लाख का यह खिलाड़ी अब आधा यानी कि 8 करोड़ की कीमत का हो गया है। क्योंकि दोस्तों आईपीएल तो बेन स्टोक्स जरूर खेलेंगे, लेकिन चेन्नई को जिस चीज की उनसे उम्मीद थी वो मांग वो डिमांड वो पूरी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि आखिरकार बेन स्टोक्स ने चेन्नई सुपर किंग को झटका कैसे दिया है। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग ने अपनी टीम को मजबूत और फ्यूचर कप्तान के लिए इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स को अपने साथ जोड़ा था। बेन स्टोक्स को पाने के लिए चेन्नई सुपर किंग ने ऑक्शन में सब कुछ दांव पर लगा दिया था और आखिरकार बेन स्टोक्स को हासिल कर खुशियां मनाई थी। बेन स्टोक्स को चेन्नई सुपर किंग ने 16 करोड़ 25 लाख रुपए की भारी रकम देकर खरीदा था, लेकिन अब ये 16 करोड़ खिलाड़ी लगभग 8 करोड़ का हो गया है। जिस बेन स्टोक्स से चेन्नई सुपर किंग बल्लेबाजी और गेंदबाजी की उम्मीद दोनों कर रही थी, उसी खिलाड़ी ने येलो आर्मी को झटका दे दिया है। बेन स्टोक्स पहले मुकाबले बतौर बल्लेबाजी खेलेंगे। बेन स्टोक्स के बाएं घुटने में लगी चोट के कारण उन्हें पेन किलर के इंजेक्शन भी दिए जा रहे हैं। दोस्तों ऐसे में स्टोक्स से आईपीएल के शुरुआती मुकाबलों में गेंदबाजी शायद ही करवाई जाएगी। बेन स्टोक्स ने टीम के साथ ट्रेनिंग की शुरुआत तो कर दी है और पहले ही मैच से टीम के साथ खेलते हुए नजर भी आएंगे। कई सालों से अपने बाएं घुटने में लगी चोट के कारण वो बार बार जूझ रहे हैं। दोस्तों कहना गलत नहीं होगा कि स्टोक्स का गेंदबाजी ना करना चेन्नई के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। खैर दोस्तों अगर आप भी 31 मार्च को सीएसके बनाम गुजरात टाइटंस का बेहतरीन मुकाबला देखने को उत्सुक हैं तो हमारी इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।